जिला सत्र न्यायाधीश फूलचंद चौधरी ने जमीरा बांध स्थित गांधी कुष्ठ आश्रम का सघन दौरा किया। इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव मुकेश कुमार द्वितीय, भोजपुर चेंबर ऑफ कॉमर्स के संयुक्त सचिव आदित्य विजय जैन, व्यवसायी संघ अध्यक्ष प्रेम पंकज उर्फ ललन जी। इस दौरान जिला सत्र न्यायाधीश पीसी चौधरी ने गांधी कुष्ठ आश्रम में आवासित लोगों से उनकी समस्याएं सुनी, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के संबंध में स्थानीय लोगों तथा अधिकारियों से बातचीत की। जिला सत्र न्यायाधीश ने पाया कि यहां शौचालय की पर्याप्त संख्या नहीं है, पेयजल, सड़क, जल निकासी, पक्का आवास, बिजली, चिकित्सा सुविधा, पठन पाठन आदि के क्षेत्रों में व्यापक कार्य किए जाने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी व्यवसायी संघ के अध्यक्ष प्रेम पंकज उर्फ ललन ने बताया कि वो जमीरा कुष्ठ आश्रम में जब से लॉकडाउन हुआ है तब से यहाँ पर कई बार आ चुके हैं और उनका प्रयास होगा कि इन लोगों के लिए कोई कार्य सुनिश्चित किया जाए। जिसको लेकर प्रेम पंकज ने बताया कि हम प्रयास कर रहे हैं कि इनकी जो कुछ हमसे जरूरतें हो वो पूरा हो और ये स्वावलंबी बने। साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकार के लोगों ने भी बताया कि यहाँ की सुविधाओं को जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाएगा। जिला सत्र न्यायाधीश ने इस अवसर पर भोजपुर चेंबर ऑफ कॉमर्स के संयुक्त सचिव तथा अन्य व्यवसायियों के सहयोग से नए कपड़े गांधी कुष्ठ आश्रम में आवासित लोगों के बीच वितरित किए। इसके अतिरिक्त पारा विधिक स्वयं सेवकों तथा न्यायिक पदाधिकारियों के सहयोग से एकत्रित अनाज यहां के लोगों के बीच वितरण किया गया। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सैनिटाइजेशन का कार्यक्रम चलाया गया तथा लोगों को जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराई गई। लेप्रोसी विभाग ने कुष्ठ रोगियों के लिए विशेष रूप से निर्मित चप्पल तथा जरूरत के अन्य सामान वितरित किए। जिला सत्र न्यायाधीश फूलचंद चौधरी ने बताया कि गांधी कुष्ठ आश्रम में सुधार की काफी संभावनाएं हैं। लोगों को संविधान सम्मत अधिकार प्राप्त हो सके तथा वे सम्मान पूर्वक जीवन यापन कर सके, इसके लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। इस दिशा में सभी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव मुकेश कुमार द्वितीय ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश के आलोक में गांधी कुष्ठ आश्रम का लगातार निरीक्षण कर रहा है। यहाँ के लोगों को शिक्षा तथा रोजगार जैसी बुनियादी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित करने तथा विभिन्न विभागों से बात कर और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है। आज इस निरीक्षण कार्यक्रम में अन्य लोगों के अलावा न्यायालय प्रबंधक प्रज्ञा, चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर पी के रमन, अधिवक्ता मुकेश कुमार सिन्हा, DLSA के विनय कुमार, सागर कुमार, जिला एवं जनसंपर्क विभाग के बबलू। संविधान, हमारे संविधान में दिया हुआ है कि समाज के जो अंतिम व्यक्ति है, समाज के अंतिम व्यक्ति को भी अधिकार दिया गया है हमारे संविधान में कि वो डिग्निटी के साथ जिंदा जिंदगी डिग्निफाइड वे में वो अपनी जिंदगी को जिए। तो डिग्निफाइड वे में जिंदगी जीने का मतलब उसको एजुकेशन हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, ये सब डिग्निफाइड लाइफ के आवश्यक तत्व हैं। तो हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं, संविधान में जो राइट दिए गए हैं डिग्निफाइड तरीके से जीने का, वो इनको अधिकार प्राप्त हो। तो उस संबंध में हम लोग विभिन्न विभागों से कोऑर्डिनेट करके और यहाँ पे जैसे प्लांटेशन लगवाना और सारे लोगों को राशन कार्ड मिल जाए, ये सारी व्यवस्था हम लोग करेंगे और इसके लिए एक ब्लूप्रिंट भी हम लोग तैयार कर लिए हैं। हम लोग क्या ये कोर्ट मैनेजर तैयार किए हैं, उसके बारे में डिटेल ये बताएंगे कि क्या क्या यहाँ जो है इन लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए कैसे हम लोग करेंगे, उसका डिटेल जो है ये बताएंगे अपने उसमें। हम लोग बराबर यहाँ से कोशिश में रहेंगे कि बराबर यहाँ का विकास होता रहे और हम लोग टच में रहेंगे यहाँ के। प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं, व्यवसाय प्रकोष्ठ के हम लोगों ने आज जिला जज साहब के साथ यहाँ है। पहले से हम लोगों को बताया गया था कि इस तरह के ऐसे ऐसे परिवार को कपड़े की जरूरत है और कपड़े का पूरा
एक एक बच्चे को एक एक पूरी साइज के लिए कपड़े का वितरण और अन्य सामान का वितरण के लिए हम लोग साथ आए हैं। और मेन हम लोग का मुख्य उद्देश्य है कि सभी व्यवसायियों की तरफ से अगर सरकार के द्वारा इनको रहने का मकान बन जाता है तो हम व्यवसायियों की तरफ से इनको पंखा देने की कमिटमेंट हुई है। सभी घर में पंखे का लगाना है व्यवसायियों की तरफ से। और बिजली की सुविधा अगर आ जाती है तो सभी तरह का इलेक्ट्रिक काम अगर नहीं होता है तो हम व्यवसायियों की तरफ से होने का बात यहाँ हम लोग यहाँ शुरू से आ रहे हैं। आज आने और शुरू में आने में क्या अंतर दिखा आप लोगों को? स्थिति क्या है आज भी वैसे ही है इन लोगों की? बिल्कुल आज वही जगह स्थिति है जो पूर्व से भी उसी स्थिति में ये लोग आज उसी स्थिति में है। तो मुझे लगता है कि लोगों को सुधार करने में समय लगेगा और जिला प्रशासन जिस हिसाब से आज एक्टिव हुई है तो मुझे लगता है कि वो जल्दी वो अच्छे जिला में सत्र न्यायाधीश भी यहाँ पर आए हुए थे, उन्होंने निर्देश दिया है, साथ में कोर्ट यहाँ कमरा बना लिया गया है किस तरीके से। तो क्या लगता है कि अब कुछ यहाँ का हालात बदलेंगे? बिल्कुल जिस हिसाब से उनके द्वारा जो पहल की गई है उससे उससे मैं पहले भी पूर्व में भी लोग राशन के लिए जो जो वंचित है राशन कार्ड से उनके लिए एच डी वरुण प्रकाश सिंह से बात कही थी और इनके द्वारा कहे जाने के बाद इसी सभी को राशन हम सभी को तीन चीज़ों की मुख्य रूप से आवश्यकता होती है और उसमें खाद्यान्न सामग्री का मुख्य चीज़ है। तो उसके लिए राशन कार्ड के लिए मतलब लगभग लोग का कुछ ही दिनों यानी अब लगता है कि कुछ काम होगा, कोई काम होने का उम्मीद।